नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो राजद कार्यालय पहुंचने वाले थे और हम राजद कार्यालय में ही मौजूद थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो रामचंद्र पूर्वे हैं प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हो गए थे पहले से ही। कि वजह थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर आकर के जानने वाले थे क्या स्थिति है सदस्यता अभियान की, मगर तेजस्वी यादव अचानक से नहीं पहुंचते हैं, या यूँ कहिए तेज प्रताप यादव के ही नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव भी चलने लगे हैं और मीडिया बुला लेते हैं, कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं, मगर वो खुद नहीं पहुंचते हैं और इस पर सफाई देने के लिए उतर आते हैं रामचंद्र पूर्वे प्रदेश अध्यक्ष। ज़रा सुनिए सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं रामचंद्र पूर्वे। मुख्य रूप से जो हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी स्थिति को जानने और पीछे एक स्टेज वगैरह का निर्माण होना है तो कभी कभी कुछ अति आवश्यक कार्य के हो जाने के चलते हम लोगों को वहीं पर बुलाहट हो गई। हम लोगों को वहीं पर हम लोग 1:45 पहुंच रहे हैं, है ना। वह कोई कभी कभी होता है ना, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके चलते एक लाचारी होती है जिसके चलते नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग वहीं पर 1:45 हम और हमारे जो राज्य के जो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स और क्या स्थिति है उसको लेकर के और जो अन्य कुछ है उसको सभी लेकर के हम लोग 1:45 वहीं पहुंच रहे हैं। तो सुन लिया आपने, रामचंद्र पूर्वे ने साफ तौर पर कहा कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस कारण से तेजस्वी यादव यहाँ पर आज मौजूद नहीं हो सके। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव आज समीक्षा करने के लिए पहुँचने वाले थे पार्टी में ऑफिस में कि क्या कुछ चल रहा है पार्टी ऑफिस के अंदर, कितने कार्यकर्ता जुड़े, और साथ में ये भी था कि कल तेजस्वी यादव जो है वो शनिवार है तो वो पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने जाने वाले थे, जिस चीज़ को लेकर के आज पहले वो RJD ऑफिस पहुँचने वाले थे और इसके बाद से जो है वो रांची के लिए रवाना होने वाले थे, मगर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे प्रदेश कार्यालय। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उनके विधायक पहुंचे, मगर तेजस्वी यादव खुद नहीं पहुंचे। अब बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी छोटी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।